लोकसभा चुनाव को लेकर अक्षय यादव पहुंचे गांव बसई में सुरेश बाबूजी के यहां लोगों को किया संबोधित। फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव से सपा पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव पहुंचे गांव बसई सुरेश बाबूजी के यहां, जहां उपस्थित लोगों के द्वारा अक्षय यादव एवं मंचा सिंह लोगों का पुष्पहार पहनाकर गले में भगवा रंग की पट्टी डालकर पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। उपस्थित लोगों के द्वारा जमकर समाजवादी पार्टी के जयकारे लगाए। अक्षय यादव के जयकारे मंचासी एवं सपा पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव ने सभा को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा पार्टी के हित में अधिक से अधिक मतदान करने की लोगों से अपील की। इस अवसर पर सपा प्रत्याशी अक्षय यादव डॉक्टर ऋचा यादव बड़ी पैमाने पर गांव बसई के ग्रामीण लोगों के नाम उसमें रहे, जहाँ सतवीर यादव, सूरज यादव, नरंगी यादव, महाराज सिंह धनगर आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। 10 साल से राज कर रही है, उससे यही लगता है कि भाजपा की फिर से सरकार बनी तो वो सबसे पहले संविधान को खत्म करेंगे और पिछड़े और दलितों का वोट डालने का हक छीनने का काम करेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया, इस बार पीडीए ही एनडीए को हराने का काम करेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, जो महिलाएं हैं और जो पीड़ित अंगड़े हैं, वो भी साथ में आएंगे और इस भाजपा की सरकार को हटाने का काम करेंगे। आपने अब तो ये भी मंचों से सुना है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, चाहे कर्नाटका के हों, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के हों, वो अपने मंच से कहने लग गए हैं कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले संविधान को बदलने का काम करेंगे। कुछ प्रत्याशियों ने तो ये तक कहा कि 400 का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए है संविधान को बदलने के लिए। संविधान बदलने का मतलब है संविधान हटाने का उनका। और ये भाजपा के लोग पिछले 10 साल से जिस तरीके से आरक्षण छीनने का काम करा है, उससे बिल्कुल साबित होता है कि ये चाहते हैं कि संविधान को भी बदला जाए। आपको याद होगा जब देश आजाद हुआ उस समय आरएसएस बना और आरएसएस के जो फाउंडर थे उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में जो उन्होंने लिखा, उन्होंने यही लिखा है कि अगर उनको कभी सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो वो मनोवाद वाली स्थिति में इस देश को चलाने का काम करेंगे। मनोवाद आप सब समझते हैं, सबकी जाति वाइज उनको बता दिया गया था किसको क्या काम करना है। और ये बात पिछले 2 साल से हम लोग भाजपा के कई प्रोग्रामों में भी सुन चुके हैं कि देश को 2000 साल पहले वाला देश बनाएंगे। वो यही उनका मतलब है 2000 साल पहले देश कैसे चलता। हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुलाया, तरफा चुनाव जीत रही है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, सभी समाज, सभी जातियाँ समाजवादी पार्टी को खुलकर वोट देने का काम करेंगे। इस बार गठबंधन में आप कांग्रेस के साथ हैं, पिछले चुनाव में भी एक गठबंधन था बीएसपी और आरएसएस, दोनों इस वक्त साथ नहीं है, तो कितना मुश्किल होने वाला है इस वक्त भी आगे। देखिए, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है और पिछली बार बहुजन समाज पार्टी हम लोगों के साथ थी, चुनाव हम लोगों ने बहुत अच्छा लड़ा था, चाचा सामने चुनाव लड़ गए थे, इस वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन इस बार चाचा का आशीर्वाद और उनके गुरु मंत्र से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और फिरोजाबाद में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। और ये आरएलडी का सबसे बेकार डिसीजन माना जाएगा जब उनको, जब 4 तारीख को रिजल्ट मिलेंगे। आज आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने कई सारी बातें कही कांग्रेस के बारे में, आपके बारे में, सपा के बारे में, उन्होंने कहा कि सपा परिवार बात कर सकती है और यादवों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ। देखिए, जो भाजपा है इसको पहले अपनी परिभाषा परिवारवाद की वो समझानी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि अगर हमारे यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद हो जाता है, भाजपा के यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद भी होता है। पहले वो परिवारवाद का अर्थ समझाएं, फिर वो हमारे ऊपर उंगली उठाने का। पूरी जनसभा में उन्होंने एक और दावा किया, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो पिछड़े और दलितों का आरक्षण करके मुस्लिमों को दे देगी और सपा को मजबूरन समर्थन करना पड़ेगा। देखिए, जो भाजपा है जब उसे लगता है वो चुनाव हार रही है, उसके पास कुछ बचता नहीं और वो धर्म की आड़ में छुपने का काम करता है। अच्छा, आप यहाँ पहले भी एक बार जीत चुके हैं, आपके लिए पूरा क्षेत्र जाना पहचाना है, तो जब भी आप जीतेंगे तो क्या क्या जनता के लिए क्या बातें हैं जो आप पूरे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग अभी टुंडला विधानसभा में, यहाँ पर नारकी क्षेत्र में खारा पानी है, गाँव में जो पशु है उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, टंकियाँ लगवाई हम लोगों ने लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहती।
उसके लिए एक योजना हम लोगों ने बनाई है, नहर लाकर, बम्बे खुदवाकर और नई पाइपलाइन पड़े उनसे, तो उनका समाधान हो सकता है। इसके अलावा जो निषाद बेल्ट हैगी, जो यमुना के किनारे वाला एरिया है, उसकी कनेक्टिविटी सिकोहाबाद से डायरेक्ट हो, उसके लिए आने के लिए फिरोजाबाद ना आना पड़े, ऐसी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बीजेपी भी मुद्दों पे कह रही है कि जब डबल इंजन सरकार होगी केंद्र में भी और स्टेट में भी, तो वो काम ज़्यादा बेहतर करवा पाएंगे। ऐसा है, उनकी डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में, और दोनों इंजन आपस में टक्कर मार रहे हैं और जनता का नुकसान। धन्यवाद।